कि वह बंगा हल्के सुगातां दा ये जो आए हैं उसनू स्टेज ते दसण दी किरपालता कर। परम सत्कारयोग मान्योग मंत्री राणा गुरजीत सिंह जी, एमएलए साहब अंगद सैनी जी, एमएलए साहब दर्शन लाल मंगूपुर जी, इन्नी देर खड़ोगे तुम, धन्यवाद। सरदार तलोचन सिंह सुंड जी, एक्स एमएलए साहब सुंड साहब मेरे नाल एमएलए भी रहे हैं, ऐसी बड़ी लड़ाई विरोधी धिर दे विच रह के कीती है। मोहन लाल बंगा जी, ये भी मेरे नाल बहुत ही प्यारा रिश्ता, इन्हों का, इन्हों के पिता जी के नाल भी बड़े संबंध रहे है, मेरे नाल एमएलए भी रहे हैं, तो असी इकट्ठे लड़ाई करते रहे हैं। सरदार कमलजीत सिंह जी, मैंबर जिला परिषद, बहुत ही होनहार साढ़े नौजवान आगू है। हरजिंदर सिंह जी, बड़ा सोहना उन्होंने हमने बोलिया, बीएसपी तो आए है। पल्ली चिक्की जी, सत्कारयोग, इन्हां नाल भी मेरा बड़ा प्यार है, तो मेरे बाकी स्टेज पर बैठे लीडर साहबान, सामने बैठे पंच सरपंच साहबान, मैंबर जिला परिषद, चेयरमैन मार्केट कमेटी, मैंबर मार्केट कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी के मैंबर साहबान, सत्कारयोग बजुर्गो, भैनों, नौजवान वीरों, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। इन्हों यार इधर कर लिए, दूर जाओ। असल च मेरा काम टेंट स्टोर का रहा, मैग मूग जे मैं लाता रहा, इस करके जे गलत लगे हो मैं पसंद ही नहीं आता। सो मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ कि तुसी बड़ी गिनती दे विच साड़ी आमद इकट्ठे होए है। आप सारयां दी कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की कृपा सदका मुख्यमंत्री का रोल निभाउण दा मौका मिलिया। समाज के आम साधारण गरीब मिडल क्लास के लोगों के विच रहना, उन्होंने काम करना मेरी आदत का एक बड़ा हिस्सा है। सो जद मैं मुख्यमंत्री बनिया तो मैं उन्हां चीज़ों का पहला हल करना शुरू किया, उन्हां समस्यावां का हल करना शुरू किया जिहड़ियां मैं अपनी जिंदगी दे विच हंडाईआं। मेरे कोल किन्ने ही बीबियां, किन्ने ही लोग आने कि साडा दा बिजली का बिल 50,000 आ गया, कोई कहिंदा 25,000 आ गया, मेरी तो आमदन 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, मैं कित्थे ते भरूंगा। कोई कहिंदा मेरा 10,000 बिल आ गया, मैं रेहड़ी चलाउंदा, कोई कहिंदा मैं 3-व्हीलर चलाउंदा। लेकिन एक बड़ी समस्या सी लोगों की कि बिजली के बिल बहुत आ गए, भर नहीं सी सकते। सो असी 2 किलोवाट तक दे 53 लाख परिवारों के 1500 करोड़ रुपया माफ किया है, तो उन्होंने सारे बिजली के बिल फाड़ते है, उन्होंने बिलों लिख के आ गया है कि थोड़ा बकाया सरकार ने भरता, थोनू हूँ भरन की लोड़ नहीं। कई कहते जी चन्नी का ऐलान करी जाता है, हुंदा हुंदा कुछ है नहीं, लेकिन ये नहीं देखते दे कि जेडे ऐलान करदा मैं नाल दी नाल इंप्लीमेंट हुंदे है। तुसी हुण पिंडां जाके, तुसी पिंडां दे लोग हो, सारयां दे बिल माफ हो गए जेडे पुराने है। पानी दियां टैंकियां दे बिल जेडी सरकार चलाउंदियां सी उहनां दे सारयां दे बिल असी पुराने बकाए माफ कर दित्ते आ, हुण तुहानूं भरन दी लोड़ नहीं है। 1250 करोड़ रुपया
इस तरह पानी का बिल पहला 160 रुपये आता सी पिंडां दे विच, वो असी 50 रुपये करता है। शहरां दे विच भी 105 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक बिल सी, वो भी 50 रुपये करता है। रेते का बड़ा रौला सी जी, रेता माफिया, रेता माफिया। 2222 रुपये फुट रेता दरिया पर बिकता सी, ऐसी 5.5 रुपये रेता करता दरिया पर इस टाइम बिक रहा, कोई जाके चेक कर लो। ये मसले हल हो और ऑन ग्राउंड लागू हो गए है, खाली ऐलान नहीं है। बिजली के रेट किन्ने सीगे, मेरी भी वाइफ डॉक्टर है, घर वाली मेरी, उहदे खाते चो साढ़े घर का बिल जाता, जब बिजली का आना बिल उन्हें मेरे किन्ने नूं देखण लग जाना भी हूँ ये तो मनू भरना पैना। लेकिन इन्ने ज़्यादा बिल आते हैं कि बिल देने के बाद आम आदमी यह सोचता कि हूँ बाकी घर का खर्च किस तरह चलाना। ऐसी 3 रुपये कट्ठा रेट कटाया बिजली का, और 1 नवंबर से लागू हो गया। अज किसी ने अखबार च खबर लगा दी, नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं उस वीर नूं दसना चाहता कि 1 नवंबर से 3 रुपये बिजली का रेट घट गया है। अगला जिहड़ा बिल आऊगा उहदे विच पता लगेगा कि बिल तो अद्धे ते भी घट रह गया। सो ये बड़े समस्यावां सी, पेट्रोल है, डीजल है। मैं पेट्रोल पंप पर रहा, कदे 2-3 रुपये घटिया तो है ही नहीं, बढ़ता ही होंदा पेट्रोल डीजल दे रेट बढ़ते ही हैं, कदे ही 50 पैसे घट जाए। लेकिन 10 रुपये कट्ठा पेट्रोल का रेट घटाया, हूँ जो तुम पेट्रोल पाउण जाओ 30 लीटर पाओ तो 300 रुपया नगद उत्थी बच जाता है। ये नहीं है कि अगे नूं होना, ऐलान नहीं कर रहा मैं कोई केजरीवाल वांगू फार्म नहीं भरा रहा कि मैं करूँगा थोड़ा, ऐसी करता है। डीजल का तुम ड्रम भरा जाओ, थोनों 1000 रुपया उत्थी बचना है पेट्रोल पंप पर खड़े ही। 5 रुपये डीजल का रेट घट कर पंजाब दे विच, आज पूरे हिंदुस्तान नालों पंजाब दे विच बिजली सस्ती है। आले दुआले दीआं सारीआं स्टेटां नालों पंजाब दे विच डीजल और पेट्रोल सस्ता है। ये काम क्यों किए, क्योंकि मैनूं पता है कि चादर छोटी रह गई, पैर बाहर निकल गए। इन्ना टैक्स सरकारां ले रही, इन्नी महंगाई करी गई सी जिहदे नाल घर का खर्चा चलता ही नहीं, इस करके सारियां चीज़ां घटाइया। मिडल क्लास के बंदियां नूं, आम आदमियों नूं इहदा पूरा फायदा होया, गरीबां नूं फायदा होया। सो मैं इन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी 'च देखिया, इस करके सारा कुछ कर रहे हैं। हुण आ केबल नूं हथ पाउणा, मैं केबल वाले 400-400 रुपया लेंदे भी कादा। मैं सोची गया मैं तो पेट्रोल डीजल और बिजली कटांदा रहा, यह तो हुण पिंडां जाके पता लग्या है। साते तां असल च लेंदे ही नहीं सी, डरते साडे घर तां आउंदे ही नहीं सी, लेकिन हुण पिंडां जाके पता लग्या, लोकां दे पता लग्या कि 400-400 लुधियाने विच 700 रुपया केबल का। मैं क्या क्या एडी गल है, यह हुण इन्हां दी मैं तार कट्टणी है, इन्हां दी बांह मरोड़नी है हुण, और रेट सही कराना इन्हां ते, या ए नहीं रहणगे या फिर असीं नहीं रहांगे। ये भी हुण तुहाडा जिहड़ा कोल है खत्म करना, मैं चल बादलां दे कोल है, साडे वालियां ने मिल के चला लिया, नहीं तो पहले हिसाब हो जाना सी, पर हुण मैं करूँगा। तुसीं इन्हां दीआं बसां देखो, बड़ियां बड़ियां बादलां दीआं बसां 1200 चलदियां सी, हुण देखिया तुसीं थाणियां 'च खड़ियां, फड़ के देतियां अंदर। मैं क्या यार अपने नौजवान मुंडियां नूं दवांगे, इक्को परिवार सारा कुछ खाई जांदा, समानता है नहीं, समाज दे विच समानता नहीं रहण दित्ती इन्होंने। ये कहिंदे जी उत्तर कांटो मेरी वारी, एक चढ़ गया एक उत्तर गया, एक चढ़ गया एक उत्तर गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी कि देना पासे ही रहेगी। ये पहली बारी क्रांतिकारी स्टैप लिया राहुल गांधी जी ने, यह पहली बारी होया पंजाब दे विच, नहीं तो यही राज करी जांदे सी, मिलके उन्हों लिया मिलके उन्होंने लिया।
हूँ कोई मिल मिलावा नहीं चलना, हालांकि हूँ भी ये तिने कट्ठे है, साडे वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन्हों के नाल मिले हुए, वह कड़ी है बिच इधरली इधरले पासे उन्हें बादलों खड़ा करया वा, इधरले पासे मोदी उन्होंने खड़ा करया वा, बिच इदा कड़ी बने हुए और रल के लड़ना इन्होंने भुलेखे बिच ना रहो। बी एस पी टिकटा देतियां भी दित्तियां केड़ियां, एक हुशियारपुर की देती जिथे बी एस पी की वोटे नहीं, एक पठानकोट की देती जिथे बी एस पी की वोटे नहीं, एक मोहाली की देती जिथे बी एस पी की वोटे नहीं। एक साजिश रची है कि बी एस पी नूं बेवकूफ बना के वोटा ले लो तो जिताओ बीजेपी नूं ते जिताओ उत्थे दे फिर अकालियां नूं करके ये हुण कैप्टन अपने बंदे कुछ खड़े करेगा बिच। इन्हां ने रल के लड़ना है, ये रल के साजिश करके पंजाब नूं लुटदे है, बीजेपी के नाल मिलके लुटदे है। अकाली और सा ये मिले वे कैप्टन उरी, सानू जब पता लग्या असीं रौला रूला पा के बड़ा औखा तार रहा है, अकालियों नहीं तो उतरन देंदे। जिद्दर असीं रौला पाउणा भी ये मिले वे है उपर जाके अपनी कांग्रेस कोल, सुखबीर बादल ने ये घर के मूहरे धरना दे देना तो उत्थे कैप्टन नूं कुछ नहीं कहना, साडे दूए मंत्रियों नूं गालां कढ़ी जाणियां। ये मिलके लड़दे, इस करके ये चीज़ नूं समझण दी लोड़ है। सो मैनू जिन्ना टाइम मिले इहदे विच मैं आम लोकां वास्ते काम करना है, इहदे विच मैं मिडल क्लास काम करना है। वो किसान जिहड़ा खेत विच रुड़ रहा, जिहदी फसल का नुकसान हो रहा, जिहनूं रात नूं पानी लाउणा पैंदा और मिलदा नहीं बिजली, वो गरीब जिहड़ा दिहाड़ी जोता करदा है लेकिन उहदे घर पूरी खाणा नहीं आउंदा, उहदे घर पूरे दाने नहीं आउंदे, उहनां वास्ते मैं काम करना। मैं कोई ये बड़े जिहड़े बादलां वर्गे इन्हां दा मैं कुछ नहीं लगता, ना मैं इन्हां दे कोई काम करने विच आस भी ना रखण। मैं आम लोकां दा नुमाइंदा है, मैं थोड़ा नुमाइंदा, जिहड़े मेरे मूहरे तुसीं आके मैनूं मिलण वास्ते आए हो, मेरे तो कराओ पंगे दे काम जिन्ने कराने, मैं थोड़े पास आप चल के आया। मैं ये मैनूं हुणे साडे मंत्री जी कहिंदे जी दुआबे नाल बड़ा धक्का होया, वह दुआबे वाले मैं तो हाथ जोड़ के कहना मैनूं अडोप्ट कर लो, करा लो जिहड़ा कुछ कराना। मैनूं आदमपुर मैं गया सी, कहिंदे जी सानूं कैप्टन ने संभालिया नहीं, कैप्टन नूं असीं जिताया सी उरे ते अकालियां दे राज विच भी एक बार लाली जी जीते सी बाई इलैक्शन, असीं जिताया फिर भी सानूं कैप्टन ने नहीं संभालिया। मैं कहा वह तो थोड़ा सरपरस्त नहीं बनिया, मैनूं गोद ले लो, मैं थोड़ा बनने नूं दुआबे दा बनने नूं तैयार है, दुआबे वाले जो कहण असीं करांगे। और मंत्री जी कोई अलांबा नहीं रहण दिंदे, मेरे पास तुसी खाली कागज और अंगूठा लवा के रख लो जिथे जो करना कर। सो मैं हर जिले च लभदा उत्थे दा अफसर वधिया केड़ा है, हुसन लाल जी एक बहुत ही शानदार अफसर है, बहुत ही वधिया अफसर। मैं तो थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी इह जिहा सपूत पैदा करिया अपने जिले दे विच, जिने मेरा भी सारा काम संभालिया होया। इस करके मैं इन्हां नूं उरे सारियां मुख्यमंत्री दियां पावरां दे के भेजिया कि तुसी जो मर्जी करा लो, जिले आए हो नवें शहर, चाहे नवें शहर के MLA करा लैन, चाहे बलाचौर वाले करा लैन, चाहे तुसी कराओ, लेकिन सारियां पावरां इन्हां कोल है, लियाकत इन्हां कोल है। मैं भी कई गल्लां इन्हां ते सिखदा कि इह काम नूं किवें करना, इहनूं किवें करना। एक बहुत ही अच्छा और होर हर अफसर है। सो तुसी पिंडां दी डिटेल बनाई है, उहदे च पैसे लगने, मैं 25 करोड़ रुपया तुहानूं दे के जा रहा जिथे मर्जी खर्चो। इस ते अलावा मैं तो हैरान है कि बंगे दी किसे ने गोलिया ही नहीं यार, हुण असी डिग्री कॉलेज जे इत्थे पढ़ाई नहीं होएगी तो असी किस तरह तरक्की करांगे, किसे ने पैसे थोड़ो गेर के जाने साडे घरां च। ये तो NRI है जेहड़े अपनी मदद करी जांदे, पिंडां दियां गलियां नालियां टोभे भी सवारी जांदे आ, मैं धन्नवादी हाँ NRI दा तुहाडे दे इत्थे जाके, वो बाहरले देशां विच भी बैठ के अपने दुआबे बारे सोच रहे, मैं हाथ जोड़ के उन्हां दा धन्नवाद करदा जेहड़े NRI इत्थे इन्ना पैसा भेज के पिंडां दा ख्याल रखदे,
क्योंकि मैं अपने पिंड ते साडा बापू सानू ले आया खैड़, 5 किलोमीटर पर साडा पिंड है। लेकिन असीं हमेशा पिंड वास्ते ही लोची जांदे, यार पिंड दा साडे दा हो जाए, पिंड दा हो जाए। मैं जब MLA बनया, जब स्कूल उत्थे दा अपग्रेड कराया, जब मंत्री बनया तां उत्थे कम्युनिटी सेंटर बनाया आ, हुण मैं मुख्यमंत्री बनया। एक दिन गया सी 1 करोड़ रुपया पिंड नूं अपने दे के आया। इस तरह ही जब कोई बाहर जाता है तो वह अपने इलाके बारे, अपने पिंड बारे, अपने पंजाब बारे सोचता है। NRI साड़ी जिंद जान है, साड़ी रीढ़ की हड्डी है, साडे वास्ते जिन्ना वह करते हैं इन्ना कोई जिन्ने बार आप उरे बैठ के सोचते नहीं, आप अपने पंजाब बारे, अपने पिंड बारे, पिंड च रह के नहीं उन्ना सोचते जिन्ना बाहर बैठ के NRI साडे वास्ते सोचते। सो इस करके डिग्री कॉलेज होना इत्थे बड़ा जरूरी है, क्योंकि जे पढ़ाई नहीं है तो तरक्की नहीं है। इस करके एक डिग्री कॉलेज बाबा अंबेडकर जी के नाम से थोनू दवांगा, 15 करोड़ रुपया वो लगेगा, तुसी जगह देख लो वो बनेगा। एक शहीद भगत सिंह जी बारे मेरी पूरी श्रद्धा है, प्यार है, सत्कार है। मैं कुछ भी करा, कुछ भी बना तो खड़कड़ा जरूर आके जाता है। सो नौजवानों के खेड वास्ते स्टेडियम ऐसी खड़कड़ा के बनावे जिदे 11-12 करोड़ रुपया लगेगा। थोड़े हॉस्पिटल सब डिवीजन बन गई, हॉस्पिटल CHCO कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लग्या वा, इनू सब डिवीजन का दर्जा दे के 50 बैड का बनावे। तो एक थोड़े ब्लॉक आउट दे विच सब तहसील नवी चलावे ताकि उस एरिए दे काम उत्थी हो जा। ते कई बार ऐ लगता भी जिस तरह एम ही बोल के चले गया। मैं जब MC म्यूनसिपल कमेटी च प्रधान बनया, मैं छोटा जा ही सीगा, खरड़, मैं मुड़ी खैड़ गया, खरड़ दे विच एक बाड़ पैंदा, उत्थे एक चोहा जांदा सी। मैनू कहिंदे जी इत्थे पुली लगड़ी चाहीदी है, पुल लगड़ा चाहीदा, सड़क ठीक होनी चाहीदी, इधर पार्क बननी चाहीदी। मैं अनाउंस करता जी, मैं क्या बनूगी ये। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बन के मैं अज तक ऐ लग रहा कि जो कुछ उहदे कोल पावर होंदी है किसी कोल भी नहीं होंदी आ। तुसीं भी इत्थे म्यूनसिपल कमेटी बनाओ जी, प्रधान ही नहीं बनिया कहिंदे काफ़ी देर ते, हुण अगले हफ्ते 10 दिन च बना लो। तो मैं अनाउंस करिया आ, एक बुढ़ा कहिंदा न्याणा जिहा यार खासा अनाउंस कर गया, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। बंगे वाले आए ना समझो भी कुछ होना नहीं है, मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहा जो मैं कह रहा है हो जाना आने वाले दिनों च। 25 करोड़ रुपया थोड़े खाते च आ जाना, तो कॉलेज बन जाना, स्टेडियम बन जाना, थोड़ा हस्पताल अपग्रेड कर देना, तो 32 करोड़ रुपया थोड़ी सड़कों वास्ते दे के जा रहा है। जिहड़ियां थोड़ियां सड़कां कोई कच्ची ते पक्की होनी है, कोई नवी बननी है, कोई ठीक होनी है, किसी पर लुक पैनी है। तो एक अंगद जी ने कहा ये बंगा गढ़शंकर रोड, यदा कुदरती मैं तो अनाउंस कर फायदा हो रहा है, ऐसी ये टेंडर टूडर लगाते हैं, हूँ बननी शुरू हो जाएगी जरूर। एक इतने फायर स्टेशन की जरूरत है, क्योंकि शहीद भगत सिंह की भी समाधि जगह हैगी, उत्थे बहुत कट हों, लोड़ पै सकती है कदे भी, इस करके एक ऐसी फायर स्टेशन भी इतने बनावे। तो एक ओन लैंड सुसायटी जोड़ा लोन है उदे बारे मैं अज जाके उदियां फाइलां फूलां मंगा के देखदा टोटल किन्ना पैसा बनता, 60-65 करोड़ के लगभग है। उदे बारे असी कुछ दिनों च एक कैबिनेट दे विच फैसला होना, उहदे च जिहड़ा फैसला वह लवांगे। सो मैं थोड़ा बड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी इकट्ठे होके आए हैं। बस मैं आखिर तुहानूं एक बेनती करनी है कि पिछली बारी उरे ते कम रह गया, ऐतकी उह सिरे ला दिओ जिहड़ी पिछली बारी कमी रह गई है। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्हें स्टेज पर बैठे है और अगे बैठे है सारे जने इकट्ठे होकर जोर ला दो, कैंडीडेट थोड़ी पसंद का दे देना, तगड़े होकर काम करा लो, तगड़े होकर वोटा पा दो। थोड़ा बहुत धन्यवाद। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की धरती नतमस्तक हो के।